8 months, 37 weeks, 260 days or 6,240 hours or 374,000 minutes or 2,24,64,000 seconds का time है आपके final exam में जो कि आपके Feb में start हो। अब ये जो टाइम है ना, इसमें आपको बहुत सारा काम करना है। अगर आपको लग रहा है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसे टाइम निकलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई कब मेरे फाइनल एग्जाम आ गए। इसमें आपको हाफ ईयरली एग्जाम भी देने होंगे, फिर उसके बाद में आपको इसमें अपने यूनिट टेस्ट भी देने होंगे, फिर इसके बाद में आपको अपने प्री बोर्ड्स देने होंगे और उसी के साथ में आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन भी करना है और उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंजॉयमेंट भी करना है, बाबू चौना से भी बात करना है। तो अब ये सारा काम इस टाइम में करना है तो इस टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको वो चीज़ें नहीं करनी जो कि सभी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि क्या पेपर हमारा एनसीईआरटी से बनेगा। सभी को पता है क्या सभी के पास में एनसीईआरटी वो भी है, क्या सभी लोगों के पास में टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए वो भी हैं, भाई सारे रिसोर्सेज है, सभी के पास में इंटरनेट है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि बस 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 95% से ऊपर आते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा अलग करते हैं जो कि बाकी के 95 नहीं कर पाते। तो वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मुझे पता है कि स्टार्टिंग के अंदर जोश जोश में तुमने बहुत ही तगड़े टारगेट बनाए होंगे और अभी धीरे धीरे तुम्हारा जोश ठंडा पड़ रहा है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हारी पूरी पूरी साल बच जाएगी। क्योंकि जो 0.1% स्टूडेंट होते हैं जो कि CBSE में हर साल टॉप करते हैं, उनमें आप आ जाओगे। क्योंकि देखो हर साल स्टार्टिंग का ये जो फेज होता है, जब आप लोग को एक डेढ़ महीना हुआ होता है क्लास 10th में, सभी का टारगेट हाई रहता है। हर साल 22 लाख स्टूडेंट CBSE में क्लास 10th का एग्जाम देते हैं, उनमें से पता है कितने लोगों के आते हैं बस 95 से ऊपर, ओनली 22,000 के, और उसमें से 97 के ऊपर कितनों के आते हैं, बस 2200-2300 बच्चों के आते हैं। आप सोच सकते हो कि कितने कम लोगों के आते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है, स्टार्टिंग में कोई भी छोटा सोचता ही नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि कोई भी आप किसी से बोलो कितने लाना है, भाई 95 लाऊंगा, ये लाऊंगा, बस ये टारगेट है सभी के। लेकिन क्या होता है जब लास्ट तक आते हैं तो भाई इतनी गलतियां कर चुके होते हैं कि उसमें फिर चांसेस ही नहीं होते कि हमारे मार्क्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं ये जानता हूँ कि आप में से जो 100 लोग देखते हो उसमें से कोई एक बच्चा ही इसको पूरी देखेगा और वही उसको इम्प्लीमेंट करेगा और वो अच्छे नंबर लाएगा। तो इसीलिए आपको सुनना भी है इसे और इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए टाइम टेबल होता है, उतना ही ज़रूरी होता है एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक। आप देखो ओसवाल बुक्स काफ़ी अच्छे टाइम से बुक्स बनाते हुए आ रहे हैं, उनकी बुक्स मैंने भी फॉलो करी थी मेरे बोर्ड्स एग्जाम में। अब देखो ओसवाल बुक्स का जो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही बेहतरीन है, बाकी के मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं उसके पीछे के 5 कारण है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पर माइंड मैप मिल जाता है, जिससे कि आप ना आसानी से चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हो, रिविजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर सेकंड है कि यहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलोंग विद प्रीवियस ईयर। यहां पर प्रीवियस ईयर आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, जैसे कि टीचर ने आज आपको केमिकल रिएक्शन में अगर कुछ पढ़ाया तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर टॉपर सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएंगे। जो भी टॉपर की आंसर शीट होती है वैसा आपको मिल जाएगा। और लास्ट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एग्जाम में गलतियां बहुत करते हैं ना, तो ऑलरेडी ओसवाल बुक्स ने क्या करा है कि उन गलतियों को लिख दिया कि भाई स्टूडेंट यहां पर गलतियां करते हैं। इस वजह से ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, आपको सभी सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के, SST के, मैथ्स के और सभी सब्जेक्ट्स के आप इनको देख सकते हो। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इन बुक को परचेस कर सकते हो। अब ये जो मैंने आपको टाइम बताया ना, इस टाइम के अंदर आपको पता है आपका सिलेबस कितना बड़ा है? आपने कभी ये देखा ही नहीं होगा कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है। मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में है 120 चैप्टर्स और उसमें आपके जो बुक्स हैं, टोटल जो बुक्स हैं आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 बुक्स हैं, उनमें जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो है करीब करीब 1950 पेजेस हैं, और उसी के साथ में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 2600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मतलब यह है कि पर डे के अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको अब ये 8 महीना है ना आपका आगे आने वाला, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, आज के इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना टाइम मैनेज करना है, तो आप एक वो टिपिकल पुराने वाला वो जो ओल्ड वाला टाइम टेबल बनाते हो ना उससे नहीं बनाना, क्योंकि क्या होता है कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता और हमें टाइम टेबल से लगता है कि यार इसमें तो हमारे सारे सारे शौक मर जाएंगे, हमारी मौज मस्ती छिन जाएगी, हमारे बाबू चौना से भी तो बात करना है ना, हमें वो भी नहीं होगा। लेकिन क्या है, अगर आप टाइम मैनेज करते हो तो आपको सारी चीज़ों के टाइम मिलेंगे। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि हमारे पास में एक हफ्ते में कितना टाइम होता है। ये मानो कि आप 7 घंटे स्कूल जाते हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्कूल जाते हो, 6 दिन स्कूल जाते हो, तो उसमें जो टोटल आवर्स होते हैं आपके पास 50 घंटे स्कूल के निकाल दो, 8 घंटे आप सोते हो, तगड़ा सोते हो, उसके आपने
निकाल दो यहाँ पर कितने 56 आवर्स, फिर उसके बाद में आपके पास में पर डे के 4 से 5 घंटे बचते हैं जिसमें आप अपने बाबू शोना से बात कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, फोन भी चला सकते हो, जो करना है वो कर लो। और फिर उसके बाद में आप इन सब को टोटल करोगे ना तो वीक में होते हैं 134 आवर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपने ये इंजॉयमेंट का टाइम है, अभी इसमें पढ़ाई का ऐड भी नहीं किया, और टोटल वीक के अंदर होते हैं हमारे पास में 156 आवर्स। अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास में लास्ट में बचेंगे 35 आवर। अभी जो 35 आवर है ना, इसमें अगर आप देखोगे पर डे का आपको 5 घंटा मिलता है, और ये बात तो हमने कभी सोची नहीं कि 5 घंटे, अगर आप 5 घंटे रेगुलरली 3-4 महीने पढ़ लेते हो तो भाई ये 10th का सिलेबस है, ये 1 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम बस इसमें है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, बुक लेके बैठते हैं यार पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में फोन आता है फोन चलाते हैं, फिर उसके बाद में बुक लेके बैठता हूँ तो होता क्या कि ना तो फोन चला पाते ना पढ़ पाते, तो हम बीच में रह जाते हैं, तो इसीलिए बीच में नहीं रहना है, ठीक है। बीच वाले लोगों का मजाक भी बहुत उड़ता है, इस बात को समझ रहे होंगे। तो इसीलिए अपने आप से अभी एक चैलेंज लेना है कि भैया मैं चैलेंज लेता हूँ, ये 1 महीने का हमारा चैलेंज रहेगा, और 1 महीने बाद में आपको करके इस वीडियो पर फिर से कमेंट करना है। इसीलिए अभी के अभी लिखो कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, 30 डेज का चैलेंज रहेगा, जिसमें कि मैं बस क्या करूँगा, मेरे को बस दिन के 3 घंटे स्टडी करना है, उसमें मैं चाहे से कुछ भी स्टडी करूँ, लेकिन जब मैं स्टडी करूँगा उसमें पूरा करूँगा। ये आपको एक चैलेंज लेना, अगर आप ये 30 डेज का चैलेंज पूरा करते हो तो आप अपने फाइनल एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, ना सिर्फ एक बेहतरीन स्कोर भी आप करने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी के अभी कमेंट डाउन करो कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, 30 डेज का चैलेंज इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसमें मैं मेरा पूरा टाइम मैनेज करूँगा। अदरवाइज होगा क्या कि ना तो आप फोन पर बात कर पाओगे, ना आप मोमोज खा पाओगे, ना आप इंजॉयमेंट कर पाओगे, और पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। इसीलिए अपने टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर रियलाइज होगा जब आपके फेब में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जब आप देखोगे कि यार अब नोट्स से पढ़ना चाहिए, और देखोगे कि नोट्स तो हैं ही नहीं, मैंने तो नोट्स बनाए ही नहीं। तो इसीलिए अपने अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम में कोई भी साथ नहीं देगा, जो अच्छी अच्छी बातें करते हो तो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए अपने अभी से नोट्स बनाने लगो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, उनके पास में नोट्स ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं कि भाई क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। नोट्स से ही होता है कि हमें वो चीज़ थोड़ी सिंप्लीफाइड होकर के अच्छे तरीके से वो हमें समझ में आती है। तो इसीलिए ये मिस्टेक मत करना कि नोट्स आप नहीं बना रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि लास्ट में मैं बना लूँगा, लास्ट में इतना टाइम नहीं रहता है। इसीलिए क्या करना है, आपको अपने नोट्स को ज़रूर से बनाना है। फिर इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप अपनी पूरी लाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, पूरी लाइफ आप इस बुक को अप्लाई कर सकते हो, ये होता है एक गोल्डन आर स्ट्रेटेजी होती है। अब ये क्या होता है भैया, इसके बारे में तो नहीं सुना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप दिन में चाहे से कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन आपके दिन में 1 से 1.5 घंटा ऐसा होना चाहिए जिस टाइम के ऊपर कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये टाइम कभी भी हो सकता है, सुबह आप इसे रख सकते हो, शाम को इसे रख सकते हो, जब भी आपका मन करे, बस ये 1-1.5 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कि आप एकदम से इस दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, आप भूल जाओ कि आप इस धरती पर भी रहते हो। आप ये मान लो कि आप मार्स के ऊपर चले गए हो, आप दूसरे गोले पर चले गए, उस टाइम के ऊपर आप अपना याद रखने की कोशिश करो, आप उसमें रिविज़न करो। क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, ये चीज़ें भूलता बहुत ज़्यादा है। होता है आपने भी 9th में देखा होगा कि भाई ने पढ़ाया था लेकिन भूल गया, पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया। ये सब चीजें क्यों होती, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। और ये जो गोल्डन आवर होता है जिसमें कि आप लोग 1-1.5 घंटे जब बैठ के रिवाइज करते हो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर के, तो उसमें क्या होता है कि आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो इसीलिए गोल्डन आवर स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है, जिससे कि आप एक बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को भी मैनेज कर पाओगे, याद भी रख पाओगे, और सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। और अब इसके बाद में आती है लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको आज के बाद में टू डू लिस्ट नहीं बनानी। तो फिर क्या करेंगे भैया, क्या आप एक बार अपने बताओ कि क्या आप अपनी टू डू लिस्ट के अंदर ये बातें लिखते हो कि यार आज मैं 45 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा, आज मैं यार 1-3 घंटे की मूवी देखूंगा, आज मैं उसके साथ में मोमोज खाने जाऊंगा, क्या आप ये अपनी चीजें लिखते हो टू डू लिस्ट में? नहीं लिखते। तो आज से आपको ना अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनानी, आपको अपनी कमियां निकालो कि भाई देखो यार, आप एक दिन देखो कि मैं मेरा टाइम कहाँ पर वेस्ट करता हूँ। आप उसको लिखो कि स्टॉप डूइंग लिस्ट आज से आप बनाओगे कि यार आज है ना मैं ये काम तो नहीं करूँगा,
ठीक है, मेरे को ये नहीं करना क्योंकि इसमें मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर आपने ये चीज़ें निकालना सीख लिया कि मेरा टाइम इस चीज़ में ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उस दिन से आप ना वो सब चीज़ें सीख जाओगे और आप उन 95% लोगों से आगे निकल जाओगे जो कि टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट हर कोई बनाता है यार, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप अपने क्लास 10th में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करोगे, तो मेक श्योर कि आप इससे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।